जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करने जा रहा हूँ वो है केसीए प्रेसिडेंट कप का फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है केसीए लॉयन वर्सेस केसीए ईगल्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम्स की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, साथ में दोनों टीम्स में आपके लिए ड्रीम इलेवन पे टॉप पिक्स कौन से रहेंगे उसकी जानकारी भी दूंगा और आपकी वन जीएल टीम यानी वन ग्रैंडलीग की टीम प्रोवाइड कराऊंगा और एक यहाँ पर आपको हेड टू हेड विनिंग टीम प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मैच में जीतना चाहते हैं तो। और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं लाइनअप के बाद और टॉस के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम हो, जो भी मेरी अपडेट हो, वो आपके पास पहुंचे बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 3,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक में कमेंट में लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे टॉप पर कमेंट यानी जो सबसे पहले कमेंट वहाँ पर एक लिंक होगी, जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको 3,000 से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो आपको कमेंट में चैनल का नेम भी मिल जाएगा, तो जिससे आप लोग डायरेक्ट चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है घंटा, उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री भी, तो ज़रूर ये काम पहले कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इस मैच के वेदर रिपोर्ट की, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट रेन हो सकती है लेकिन आपको एक फुल मैच देखने को मिलेगा, तो इस मैच में आप लोग अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिच कंडीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पिच है वो बॉलर्स को मदद करने वाली है और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर जो बैट्समैन को मदद करेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 153 का है। जो भी टीम चेस करती है वो दो बार जीती है और तीन बार हारी है। हालांकि दोनों टीम की ओर से अभी तक इंजरी की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। अगर मैं बात करूं लॉयंस की तो उनकी ओर से आपको अब्राहम सीएच, विष्णु मोहन, अब्दुल वशिष्ठ, अक्षय मनोहर, अभिषेक मोहन, धीरज प्रेम, अल्फ्रिन फर्नांसिस, पत्रिकाटू मिदुन, विनोद कुमार, विश्वेश्वर सुरेश, अश्वंत शंकर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं पर ईगल्स की ओर से आपको आनंद कृष्णन, सुबिनियस, अश्विन आनंद, करीमुत्तू, राकेश, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रविन कृष्णन, सराफुद्दीन, गिरीश पीजी, अभिषेक नायर, केशी अक्षय, एनपी बसीला को खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोनों टीम के टॉप प्लेयर्स की और टॉप पिक्स की। तो पहला नाम निकल के आएगा आपके लिए अब्दुल वशिष्ठ का, जो कि लीडिंग रन गेटर हैं टूर्नामेंट के, जिन्होंने अभी तक 10 मैचेस में 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। अक्षय मनोहर की मैं बात करूं तो ये फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर हैं टूर्नामेंट में, इन्होंने 254 रन बनाए हैं 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। विष्णु मोहन की मैं बात करूं ये थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं, इन्होंने 10 मैचेस में 249 रन बनाए हैं 112 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके अलावा केसी अक्षय आपको एक बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑप्शन में नजर आ जाएंगे, जिन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं और लास्ट मैच की मैं बात करूं तो 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं और अपनी टीम को इन्होंने विन कराने में भी अच्छी खासी मदद की थी। गिरीश पीजे की मैं बात करूं इतना कंसिस्टेंसी के साथ तो खेलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन जितनी बार भी इनको मौका दिया गया इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 200 से ज़्यादा रन इनके नाम भी हैं और लास्ट मैच में ये 53 रन बना के आ रहे हैं, वो भी 196 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर मैं बात करूं कैप्टेंसी एंड वाइट्स कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी आप लोग यहाँ पे अब्दुल वशिष्ठ, विष्णु मोहन को ही दे सकते हैं, वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पे करीमुत्तू, राकेश और केसी अक्षय को दे सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस दोस्तों यही रहेगी आपको, ज़्यादा तो जो प्लेयर्स हैं ज़्यादा बैट्समैन आपको लॉयंस के लेने हैं और बॉलर्स आपको यहाँ पर ईगल्स के लेने हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ विनर्स की तो लॉयंस आज का मुकाबला जीत सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इम्पॉर्टेंट लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। पास में घंटा जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री भी। अगर आप लोग चाहते हो किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल अपडेट आपको मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे टॉप पर लिंक हो उस पर जैसे क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। 3,000 से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको भी जाकर वही चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही मैंने चैनल का नेम भी दे रखा है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर और आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और जेल की टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले हेड टू हेड टीम की। तो विकेट कीपर सेक्शन में बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पर दो पिक आपको नजर आएंगे, अजहरुद्दीन और यहाँ पे वी मोहन।
अगर यहाँ पे अजहरुद्दीन खेलते हैं तो मैं डेफिनेटली इनको अपनी टीम में रखूंगा। हालांकि कुछ मैचेस नहीं खेले हैं तो अभी के लिए तो मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा। मैं अपनी सेफ टीम और हेड टू टीम में यहाँ पर वी मोहन को ही ट्राई करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, सभी मैचेस में इन्होंने मतलब खेले हैं और अच्छा परफॉर्म किए हैं। बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर मैं ए अजीत पीए को ट्राई करूंगा, उसके अलावा गिरीश पीजे को हम लोग अपनी टीम में रखेंगे। ए आनंद लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं, पिछले मैच में इनकी मतलब बैटिंग ही नहीं आ पाई थी तो इसलिए कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए थे। उसके अलावा यहाँ पर मैं ए मनोहर को ट्राई करूंगा, बाकी एस नजर को आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, ये आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे अक्षय मनोहर, तो यहाँ पर मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा। उसके अलावा यहाँ पर रवीन कृष्ण नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन करते हैं साथ में 2-3 ओवर की गेंदबाजी भी आपको करते हुए नजर आ जाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी यहाँ पर एक पिक आती है राकेश केजे के टॉप को, इनको यहाँ पर पिक कर लेना, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पर बलन की पिक है और यहाँ पे अनंत कृष्णन की पिक है। बलन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 मैचेस जो खेले हैं उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर पिछले मैच की मैं बात करूँ 5% लोगों ने पिक किया था, 136 इन्होंने पॉइंट किया और इन्होंने विकेट भी निकाल लिया था। इन्होंने देखिए 74 रन की पारी खेली और साथ में 1 विकेट भी इन्होंने हासिल किया था लास्ट में, तो ट्राई करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो 4 ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर वी कुमार सीवी पिछला मुकाबला नहीं खेले थे लेकिन इस वाले मुकाबले में आपको शायद खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं अक्षय को ट्राई करूंगा। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पर पीके मिथुन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी यहाँ पर मैं सराफुद्दीन को लेना चाहता हूँ, आज के मैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है मुझे ये, तो अगर आपके पास क्रेडिट हो तो आप लोग यहाँ पर इनको ट्राई कर सकते हैं 8-8 में, लेकिन अभी हमारे पास क्रेडिट है नहीं तो यहाँ पर मैं एनपी बसील को ट्राई करूंगा, जो कि आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे और पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो बिल्कुल जो सेफ टीम होती है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है 8-8 के लिए, बहुत ही सेफ टीम है ये। तो अपनी इस टीम का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो देखिए विकेट कीपिंग में मैंने यहाँ पे वी मोहन को ट्राई किया है, बैटिंग में मैंने ए अजीत पी को ट्राई किया, अक्षय मनोहर को ट्राई किया और यहाँ पे मैंने गिरीश पीजे को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर मैंने ए मोहन को रखा है, रविन कृष्ण एम को रखा है, राकेश को रखा है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने ए बलन को रखा है। उसके अलावा मैंने बॉलिंग सेक्शन में पी के मिथुन एन पी बसील और यहाँ पे के अक्षय को ट्राई किया है। अपनी इस टीम में अगर बात की जाए कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, किस प्ले को कैप्टेंसी किस प्ले को वाइस कैप्टेंसी दें, तो कैप्टेंसी यहाँ पर ए मोहन को ही आपको देनी है, वाइस कैप्टेंसी अगर आप देना चाहें तो रविन कृष्ण को दे सकते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पिक नज़र नहीं आ रही है, हालांकि राकेश की पिक आप देना चाहें इनको दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभिषेक मोहन और यहाँ पर रविन कृष्ण एम को ही वाइस कैप्टेंसी दूंगा, क्योंकि इन्होंने कल के मैच में विकेट भी निकाला था प्लस 20 से 25 रन भी इन्होंने बनाए थे। बाकी मोहन तो वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेंगे कैप्टन के लिए। तो एक बार मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हैं वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं और इस गारंटी है कि आप लोग इस टीम के साथ जरूर वॉन करेंगे, तो ये हमारी टीम रहेगी हेड टू हेड। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रैंड लीग की टीम की, तो ग्रैंड लीग की टीम में देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर राकेश को अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर चेंज ये किया कि मैं यहाँ पर सराफुद्दीन को ट्राई कर लूंगा, बाकी यहाँ पर पी के मुद्दीन को जगह पर यहाँ पर मैं वी एस सुरेश को ट्राई करूंगा, तो ये मेरी जीएल की टीम रहेगी, फुल रिस्की टीम मैंने यहाँ पर क्रिएट की। एक और चेंजेस है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ वो ये है कि अक्षय मनोहर की जगह पर मैं यहाँ पे नीजर को अपनी टीम में ट्राई करूंगा, तो जो ये मेरी ये है जीएल की टीम रहेगी। और अपनी इस जीएल की टीम में मैं आपको बता देता हूँ कैप्टेंसी यहाँ पर मैं रबीन को दे दूंगा और वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर मैं ए मोहन को दे दूंगा, तो फुल रिस्की टीम है जो मैंने यहाँ पर आपको को दी हुई है, तो बिल्कुल परफेक्ट टीम है ये जिल के हिसाब से। रिस्क भी है थोड़ा सा, अगर हमारे सभी प्लेयर्स में परफॉर्म करते हैं तो आप लोग सारे कॉन्टेस्ट वन साइडेड वॉन करेंगे, तो मैं अपनी इस टीम को भी सेव कर देता हूँ। तो एक बार आप लोग हमारी जीएल टीम का भी प्रीव्यू देख लीजिए और जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं और इस टीम के साथ जा सकते हैं, तो ये हमारी जीएल टीम रहेगी और ये हमारी हेड टू हेड टीम है। बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो टॉस के बाद मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है पिच रिपोर्ट जो है वो बॉलर्स को मदद कर रही है, तो जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी इसके बॉलर्स को मैं अपनी टीम में जगह दूंगा और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइनअप और टॉस के बाद मेरी फाइनल टीम क्या रहेगी, मेरी फाइनल अपडेट क्या रहेगी, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक मैं आपको बता देता हूँ कमेंट सेक्शन में। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो यानी जो सबसे नंबर फर्स्ट पर कमेंट हो, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुंचेंगे, 3,000 से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको भी जाना और वही चैनल जाके ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को भी कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार चैनल पर आए हो मेरी आवाज़ सुन रहे हो पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, किसी भी
फैंटसी रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैच हैं जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।